जुबान तेरी 6 फुट लंबी, बोझ है तू मेरे लिए बोझ। तेरी माँ खुद तो मर गई, लेकिन ये सप्ता है ना मेरे सिर डाल गई है वो। गुलाबो, आज फिर इसने तेरे साथ जुबान लड़ाई है क्या? सिर्फ जुबान नहीं लड़ाई जी, आज तो ये मुझे गंदी गंदी गालियां भी दे रही है। पापा मम्मी झूठ बोल रही हूँ, मैंने मम्मी को गालियां नहीं निकाली। चुप कर, जुबान मत निकाला कर इतनी, तो जुबान खेच लूंगा तेरी। मम्मी के बारे में ऐसा बोलती है तू है? तू मर क्यों नहीं गई तेरी उस माँ के साथ? वो खुद तो खिसक ली नरक में और तुझे छोड़ गई हमारी छाती पे मूंग चलने के लिए। सुनो जी, इस मार से ना इसका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। आप तो एक काम करो, इसे ना अनाथालय में छोड़ आइए। अरे गुलाबो रहने दे, अनाथालय में इसको छोड़ आएंगे तो लोगों के सामने हमारी बेइज्जती खराब हो जाएगी। बेइज्जती लोग क्या कहेंगे? इसको तो यहाँ किसी कोने में पड़ी रहने दे। तो आप एक बात ना कान खोल के सुन लो, अगर आप इसे अनाथ आश्रम में छोड़ के ना आए ना, तो मैं ये घर हमेशा के लिए छोड़ के चली जाऊंगी, समझे? नहीं मम्मी, आप ही घर छोड़ कर मत जाना। अगर आप ही घर छोड़ कर चले गए तो पापा को क्या होगा? नहीं मम्मी, आप ही तो बीमार रहती हो, पापा के बिना आपको कुछ हो गया तो। आप रहने दो मम्मा, अब चलो पापा, आप मुझे ना धोने में छोड़ जाओ। हाँ हाँ जल्दी करो, अब आप सोच क्या रहे हो? छोड़ाओ इसे अनाथालय में, छूट जाएगा इस बीमारी से पीछा। निर्लज औरत, निर्दयी औरत, तुझे शर्म नहीं आती? इस बच्ची ने छोटी सी बात में कितनी बड़ी बात बोल दी। अब ये इस घर से नहीं जाएगी, इस घर से तू निकलेगी, तू निकलेगी मेरे घर से। सच कहा था मेरे बड़े बूढ़ो ने कि दूसरी शादी मत कर। मेरी आंखों के आगे शीशा फिर गया था। चल निकल मेरे घर से। पापा, अगर मम्मी घर से जाएगी तो मैं मम्मी के साथ ही जाऊंगी। आप पापा मम्मी को घर से मत निकालो। संदेश देने के लिए बनाई है। बेटियों से प्यार करना सीखिए और बेटियों को बेटों के समान ही समान अधिकार देना सीखिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा। तो छोटी सी बाल होती है उसे जरूर दबा दीजिएगा। धन्यवाद।